या मुष्ट को खड़ा करो, हाथ रखो, इससे बड़ा शिवलिंग अपने घर के अंदर ना हो। इससे जितना छोटा 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 होगा उतना फल। लोग कहते हैं क्या शंकर का शिवलिंग घर में रखेंगे तो रोज पूजन की जरूरत पड़ेगी। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर शंकर का शिवलिंग तुम्हारे घर के अंदर है, तुम 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए कहीं चले गए, तुमने उसका स्नान नहीं कराया कोई बात नहीं, तुमने उसकी पूजन नहीं करी कोई बात नहीं। शंकर का शिवलिंग अगर घर के अंदर है, आप 1 महीने के लिए कहीं चले गए, शिवलिंग घर में है, उसकी पूजन नहीं हो रही, जल नहीं चढ़ रहा, कुछ नहीं चढ़ रहा, कोई बात नहीं। एक बेलपत्र जाने से पहले शंकर भगवान को एक बेलपत्र बस चढ़ाकर और चले जाओ। एक बेलपत्र चढ़ाकर या एक चावल का दाना भगवान शंकर के शिवलिंग पर रखकर चले जाओ। बाकी के तुम 1 महीने में आ रहे हो, 5 दिन में आ रहे हो, 10 दिन में आ रहे हो, 15 दिन में आ रहे हो, कोई दोष नहीं लगेगा। फिर आना, फिर बाबा का बेलपत्र हटाना, चावल का दाना हटाना, फिर स्नान करा देना। शंकर कभी भी जिस घर के अंदर शंकर का शिवलिंग होता है उस घर के अंदर भगवान देव अधिदेव महादेव अपना एक आनंद के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ, गणेश जी के साथ, षडानंद कार्तिकेय के साथ, अशोक सुंदरी के साथ, मेरा देव अधिदेव महादेव विराजमान होते हैं, माता पार्वती के साथ, शिव शक्ति के साथ।